आओ हम सब राष्ट्र की मजबूती और शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे पहले अपना देश तब हम सब सोचें, और इसके लिए हम सभी को जीवन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। जय हिंद, जय भारत। लेकर वो अपने इस जीवन को इतना भविष्य सुंदर बनाने में लगेंगी कि उसका भारत के भविष्य को एक मजबूत स्तंभ मिलेगा। उस स्तंभ से हम एक सुंदर भविष्य का सशक्त भारत बनाने में एक आगे बढ़कर इसका उपयोग करेंगे, जो वास्तव में एक बहुत ही अच्छी सोच है, योजना है, जिसको हम सब लोगों को इसका शामिल होकर भरपूर फायदा उठाना चाहिए, भरपूर फायदा उठाना चाहिए। जैसे कि अर्जुन को निशाने के समय केवल चिड़िया की आँख ही दिखाई दे रही थी, उसको इधर उधर की कोई भी बात नहीं सुनाई दे रही थी, ना दिखाई दे रही थी, ऐसे ही अब ये युवा बालिकाएं इस अग्निपथ की योजना में अपने लक्ष्य को बना रही हैं, और लक्ष्य को बनाकर इसको भेदने में लगी हुई हैं। कहीं भी कहीं से भी कोई इनको भटका नहीं सकता। इनमें वो देशभक्ति, वो देश प्रेम, मातृभूमि की रक्षा, अपनी सीमा की सुरक्षा, अपने तिरंगे का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी से सम्मान इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि हमारी युवा बालिकाएं अब देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, और ये अग्निपथ योजना वास्तव में उनके लिए एक बहुत ही बड़ी मार्गदर्शन बन के जो आई है, एक बहुत ही खुशी की बात है। हम आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देते हैं कि आप लोग अग्निपथ योजना में शामिल होकर अपनी इस भविष्य की जो होनहार एक योजना सामने आई है, उस भविष्य सामने आई है, उस भविष्य को संभालने का जो अवसर है उसको बहुत ही अच्छे से उपयोग करें, उसका जो है बहुत ही अच्छे से उपयोग करके इस आयु में जो आपको करना है उसको दिखाएं। और वास्तव में हमारी युवा पीढ़ी इस सब कार्य को बहुत ही अच्छे से समझती है, समझ रही है, और हमारी युवा पीढ़ी अब बालिकाओं के साथ साथ हमारे बालक भी इसमें कार्य कर रहे हैं, इसमें पर्चीकरण कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इसलिए हमारे युवा लोगों से एक बार पुनः अनुरोध और अपील है कि आप अग्निपथ योजना को दिल से देश के प्रति एक ऐसा संकल्प मानकर इसको पूरा करने में लगिए, और यही सबसे बड़ी देश सेवा है, देश के प्रति प्रेम है, भूमि के प्रति प्रेम है, और सीमा की जो हमें चौकसी के लिए खड़े होना है वो हमें यहीं से सिखाता है, यहीं से हमें जगाता है, और यहीं से हमें एक ऐसा स्तंभ देता है जिसको पकड़ के, जिसके सहारे हम खड़े होकर उस प्रशिक्षण के द्वारा पूरे अपने देश की चारों तरफ की जो रक्षा करनी है सीमा की, हम किसी भी अंग में हों सेना के, हम डट के उसकी रक्षा करेंगे। यही हमारी आप सब लोगों से अपील और विनती है कि देशभक्त प्रति एकदम सजग रहे, एकदम सतर्क रहे, यही सबसे बड़ी बात है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातर, 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 वंदे मातर। जय हिंद, जय भारत। राजेश गुप्ता, HCCF, नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।